सभी नागरिक आपको बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। डिप्टी स्पीकर की रोलिंग को कल अदम करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासम सूरी की रोलिंग को कल अदम करार दे दिया है। चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाया कि हमारा फैसला मुतफिका राय से है, तफसीली फैसला बाद में जारी करेंगे। रोलिंग 3 अप्रैल को दी गई थी। जिन लोगों को रिक्वेजेशन दिया गया था इन्हें नोटिस दिए, जिन लोगों ने रिक्वेजेशन दी थी इन्हें नोटिस दिए। डिप्टी स्पीकर की रोलिंग आइन के मुनाफी है। तहरीक अदम एतमाद जेर इल्तवा रहेगी। असम्बलियाँ तोड़ना भी खिलाफ कानून था। कौमी असम्बली तोड़ना भी खिलाफ कानून था। कौमी असम्बली पुरानी पोजीशन पर बहाल होगी। फैसले से कबल सुप्रीम कोर्ट के बाहर हफाजती इंतजाम कर दिए गए और पुलिस की अजाफी नफरी को तलब कर लिया गया, जबकि फवाद चौधरी, फैसल जवेद, शबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी समेत पीटीआई और अपोजिशन जमातों के मतदान रहनुमा फैसला सुनने के लिए अदालत उज़्मा पहुंचे। इस मौके पर वकाला और पुलिस अहलकारों के दरमियान हाथापाई देखने में आई। जी नाज़रीन, आपको एक बार फिर बताते चले, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कल अदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासम सूरी की रूलिंग को कल अदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाया कि हमारा फैसला मुतफ़क़्क़ा राय से है, तफसीली फैसला बाद में जारी करेंगे। रूलिंग 3 अप्रैल को दी गई। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन के मुनाफी है। तहरीक अदम एतमाद ज़ेरे इल्तवा रहेगी। असम्बलियाँ तोड़ना भी खिलाफ कानून था। कौमी असम्बली तोड़ना भी खिलाफ कानून था। कौमी असम्बली पुरानी पोजीशन पर बहाल हो गई। फैसले से कबल सुप्रीम कोर्ट के बाहर हफाजती इकदाम मजीद सख्त कर दिए और पुलिस की अजाफी नफरी को तलब कर लिया गया। नाजरीन, आपको एक बार फिर बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासम सूरी की रूलिंग को कल अदम करार दे दिया। असम्बलियाँ तोड़ना भी खिलाफ कानून था। कौमी असम्बली तोड़ना भी खिलाफ कानून था। कौमी असम्बली पुरानी पोजीशन पर बहाल होगी और अदम एतमाद ज़ेरे इल्तवा रहेगी।